सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, इसके साथ ही कोलकाता हाई कोर्ट को भी जमकर फटकारा है। आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता केस में स्वतः संज्ञान लेते हुए कपिल सिब्बल तक की बोलती बंद कर दी। क्या कुछ हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट में, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ गेटी भाविया, आप देख रहे हैं दखल टॉक। जिस केस में पूरे देश का खून खौल रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। और पहले ही दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस जांच से लेकर अस्पताल के प्रिंसिपल समेत वहां काम कर रहे कर्मचारियों पर खूब सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेई पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई के पहले ही दिन 8 सदस्यीय टास्क फोर्स के गठन का फैसला कर लिया। इसमें एम्स के निर्देशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन के अलावा कई और डॉक्टर का भी नाम शामिल किया गया है, जिसे आगे जाकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा कि आखिर ऐसे हालात में डॉक्टर कैसे काम करेंगे। हमने देखा है उनके लिए कई जगहों पर रेस्ट रूम तक नहीं होते हैं। आज महिलाएं तेजी से वर्क प्लेस में शामिल हो रही है, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बदलाव लाने के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकते। चिकित्सा पेशे में हिंसा की आशंका बढ़ गई है, पुरुष प्रधान सोच के कारण महिला डॉक्टरों को ज्यादा निशाना बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही है और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक यानी ज्यादातर जो आजकल की डॉक्टर्स हैं 36 घंटे काम करती हैं। हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित मामले पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हम देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अनुरोध करते हैं कि वो काम पर लौट आएं, क्योंकि इससे मरीजों का स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलने में दिक्कत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट की तलब की है। साथ ही सीबीआई को 3 महीने के अंदर जांच पूरी तरह रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्यवाही और पीड़िता के परिवार को अंधेरे में रखने से जुड़े आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि ये एक अपराध का मामला नहीं है, इस मामले में FIR दर्ज करने में भी देर हुई है। ये अस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वो FIR दर्ज कराए, लेकिन देर रात FIR दर्ज कराई गई। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में आखिर क्या कर रहा था? अभिभावकों को भी पीड़िता का शव काफी देर बाद सौंपा गया। FIR दर्ज करने में बेवजह देरी हो रही है। राज्य सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा जाए। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले को कैसे नहीं संभाल पाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RGGarh मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्राचार्य संदीप घोष को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ने इस मामले को पहले सुसाइड बताने की कोशिश की। आखिर प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इस मामले के बाद प्रिंसिपल की नियुक्ति दूसरी जगह कैसे कर दी गई। दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार से पेश हुए कपिल सिब्बल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सवालों पर का जो जवाब है वो कतई नहीं दे पाए। दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार में पेश हुए कपिल सिब्बल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि बॉडी 8 बजे रात को पेरेंट्स को दी गई और उसके बाद 11:45 पर केस दर्ज क्यों हुआ, कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या शुरुआत में मर्डर केस दर्ज नहीं किया गया, कॉलेज के प्रिंसिपल उस समय क्या कर रहे थे, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। हैरानी की बात रही कि ज्यादातर सवालों को लेकर कपिल सिब्बल के पास एक भी जवाब नहीं था।
हालांकि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा ममता बनर्जी के सरकार पर आश्रित थी। वहीं आपको बता दें कि नेशनल टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है। कोलकाता केस पर सुप्रीम कोर्ट आज पूरी तरह से तैयार दिखी हुई थी, इसीलिए उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स को इस गठन में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर प्रतिभा मूर्ति, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी, डॉक्टर सौमित्र रावत, प्रोफेसर अनिता सक्सेना, कार्डियोलॉजी विभाग प्रमुख एम्स दिल्ली प्रोफेसर पल्लवी सापरे, डीन ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई डॉक्टर पशना श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग एम्स शामिल किया गया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यदल के एक्स ऑफिसियो मेंबर्स, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भी इस टास्क फोर्स में शामिल किया। फिलहाल आज की सुनवाई में इतना ही हुआ है, अगली सुनवाई की तारीख अभी पता नहीं चली है। खैर, आप इस रिपोर्ट पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और द कंटाप पे ऐसी ही खबरों का अपडेट देखने के लिए चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।